गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत की टीम ने दोपहर 12 बजे रावली मंदिर के सामने स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को दूध से अभिषेक कर साथ ही माल्यार्पण कर मिष्ठान भी वितरित किया। गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत की टीम ने दोपहर 2 बजे रावली मंदिर के सामने स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को दूध से अभिषेक और माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरित किया। इस मौके पर संस्था के प्रदेशक सरपंच नदीम नूर ने कहा कि हमें महात्मा गांधी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना जीवन जीना चाहिए। हमारे राष्ट्र के जो पिता कहलाए जाते हैं महात्मा गांधी जी की आज अपने जन्म दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा पर आकर के माल्यार्पण कर और दीप जलाभिषेक करके जो है एक पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया कि जो गांधी जी ने अहिंसा की बात कही है वो बिल्कुल सही है और सत्य पूरे रास्ते पर चलने की जो बात कही है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के वक्त को देख करके अहिंसा की जो है मोहब्बत को जो है मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। ये गांधी जी ने हमें कई साल पहले बता दिया था और जिस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी के अंदर जो है बिना लाठी डंडे से जो है काम लिए और देश को आज़ाद कराया। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर आकर उत्तर प्रदेश महापंचायत की टीम ने दूध से नहलाकर उनका अभिषेक किया, उसके पश्चात माल्यार्पण कर उनका सम्मान कर मिष्ठान वितरित कर उनकी जन्म उत्सव को मनाया गया। और जिस तरीके से गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों के दिल जीतने का जो संदेश दिया था आज हम लोगों ने वही दृढ़ निश्चय किया है। अहमद कुरैशी ने कहा कि देश के राष्ट्रपिता ने अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाई, इसी तरह हमें भी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नदीम नूर, अहमद कुरैशी, यासीन सिद्दीकी, परवेज खान, रिजवान कुरैशी, अनवर पहलवान, बिलाल शेख, अमन जलाल आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।